हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबका एक बार फिर अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करो सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वेलकम होने लग रहा है किचन ते, बाकी टाइटल थंबनेल ते तो आपने बेरा लग गया होगा। आज से बर्थडे, जी हाँ, आज बर्थडे भी किसका है? यंशु के पापा का। यंशु के पापा का बर्थडे से, और मैं आ गई अपने किचन में। अपना जो छोला छाला है वे दो डालिए ही, छोला पूरी बनाऊंगी। बाकी देखो केक के लिया है केक के ना, बाकी बालक से इब आप देखियो, बालक भी जा रहे अपना गिफ्ट गाफ्ट लेने के लिया है के ना। इब तो हमने भी कुछ को बेरा, लेकिन इब की बार ऐसा कोई मौका मिले को नहीं बालक ने भी बाहर जाने का, क्योंकि पहले तो तैयार कर ले। तो हमने सोचा 150 रुपया खर्च कराऊंगा, इस बार ने भी बाहर भी हो आवेगा। खैर बालक भी जा रहे अपनी शॉपिंग करण, तो मैं भी चलूंगा अपना चूल्हा धो रहे। पहले आप बालक देख लो कित के करण लाग रहे, फिर मैं चूल्हा के पास चलू इतने। बालक जा लिया था मेट्रो में सामान लेने खतर, सामान भी वो ही था केक का, कुछ मिठाई थी वो लेकर आनी थी, और मनोनती कही भी थी बेटा जाओ जब वीडियो बना ले, लेकिन कोई वीडियो है वो को नहीं बनाई। फिर बाद में मैंने छो भी आया, क्योंकि फिर बाद में यूं हो जाए कि तो जाने का टाइम आओ जब तुम कहूँगा हम चले आ जाएंगे, हम चले आ जाएंगे वीडियो बना लेंगे, वीडियो जब जरूरत हो जब बना कर कौन लिया। तो खैर अब के करो जाओ बालका को भी। वैसे मोन्टी और रश्मि दोनों गई थी, कूदती गई थी बस, बाकी तुमने सेल्फी पर ध्यान था के करो जाई। खैर वे तो वीडियो कौन बना के लाई, तो उसके बाद मैं आ गई थी चूल्हा के पास। चूल्हा के पास आकर पहले उबालूंगी छोला, क्योंकि एक तो गैस पे ज़्यादा टाइम लग गया है, अंदर गर्मी भी है, बाहर यूँ है कूलर भी चल रहा है, गर्मी तो बाहर भी है, एक तो फर्श है यो बब का है, और ऊपर तिर आपने बे रहे हैं चूल्हा के बैठे, तो वैसे आराम निकला है, तो गर्मी तो सह इनू कह कौन सका, लेकिन अंदर थी तो थोड़ा फर्क में ही सह। तो मैं बुरा उबाल लूँगी आँच, छोला है वो उबाल लेंगी। काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम 8 घंटा तो मैंने इन्हें भिगो के भी रख दिया था, और जल्दी से एक बार आंच लागती तब पत्ते एक बार गर्म होती हो जाऊँगा। उसके बाद फिर वही से कि एक तो जल्दी टाइम कौन लागे बनाने का, टाइम तो क्या है 5 बजे अगर मैं चूल्हा जलाऊँ तो गर्मी घनी हुआ है, और उसके बाद 6 साढ़े 6 हो जाए शाम ने, फिर वो लेट तो होना सही, फिर सब कुछ चूल्हा पर बनाना पड़ेगा, छोले भी पूरी भी और एक दो आइटम और भी। अगर देखांगा अगर कोशिश हुई तो बनाऊंगा, चावल चोल बना लेंगे, नहीं तो ना, वरना तो छोले पूरी तो सह। बाकी मिठाई है वो ले आवेगा बालक, देखो केक के ले आवे है वो ही बाप, आगे वीडियो में देखियो केक के ले कहाँ आवे है। मैं आ गई हूँ चूल्हा में आग जला के, और अनीता लगाने लग रही से आटा। आटा लगाने के बाद वैसे झाड़ू तो कौन निकल सका, 7 बजे ले आई थी, मैं सोची एक बार झाड़ू लगा देंगी, लेकिन झाड़ू तो कौन निकल सका, 7 बज गया। और ये बनावांगा पहले रोटी और फिर पूरी, इतना बालक से हमें बैठ जाऊंगा। और मैंने बताया था ना टाइम के हिसाब से अंधेरा भी हो जाएगा, तो वो ही था, अंधेरा गया था हो, और मैं सब्जी है वही छुकने लग रही थी, क्योंकि छोला उबालन में थोड़ा टाइम तो लग गई है, और ये हो गया था अंधेरा, तो मैं कहने लग रही थी जल्दी जल्दी से वो बना ले वहाँ छोला पूरी सब्जी बस, और कुछ आइटम है वो को नहीं बनाऊँ मैं। बाकी मैंने ट्राईपोर्ट भी लगा रहा था, ट्राईपोर्ट पर फ़ोन है सिर्फ बैटरी खातर, बैटरी दिखाने खातर है, इसमें कोई रील राल है वो को नहीं सूट करने लग रही। गर्मी इतनी हो रही थी कि सूट पहन का जी भी कौन करा था, तो मैं अपनी टी शर्ट से पैर का आ गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी में एक सूट एक तो टाइट हो जावे है, ऊपर तक कपड़ा है उनका थोड़ा अलग हो जावे है, सूट वो बिल्कुल भी ना सुहा रहा था, तो मैं पहन रही थी अपनी टी शर्ट। और वह मैं कहने लग थी थोड़ा बहुत अपना जो सामान से वो बेटा हाथों हाथ है वो ठा ले जाओ, क्योंकि बाद में फिर एक साथ गाना सांग से वो भी पड़ा बूंडा लागेगा, बाद में ले जाऊँ त्याणा भी नुको गई इतना इतना। मैं पुरानी सब्जी बनाने लग रही थी, वरे अपना माँ बेटा बुआ भतीजा गुब्बारा में हवा भरना लग रहा था, हवा भी क्यूकर जो टायर हुआ टायर बोलूँ मैं भी हाँ, जो स्कूटी और बाइक का जो टायर हुआ करे उसमें हवा गाला करे, वो पंप ले रहा ही, और आज यह पंप भी नया लेकर आए हैं, तो नया नया पंप में अपनी जो क्रिएटिविटी है वो करेंगे, अपना अपना दिमाग से वो लगावेंगे। पुरानी वे दोनों भाने से अपनी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना लाग रही हैं, और जियान है वो जोत की तैयारी करना लग रहा है, 8 बज गए हैं, तो श्याम वाली जोत से एक बार दिया है वो लगा देगा, ज्ञान है आजकल करण लाग गया है यो जोत जात से, वो अपना दीवा दावा है चासन लाग गया है, क्यों? क्योंकि एक तो इसकी स्कूल की छुट्टी है, और इब बालक से बालक ने थोड़ा थोड़ा सिखावांगा तो हो जाएगा, तो मुखीब तो इतनी जल्दी भी कोनी कि स्कूल में जाने का तगाजा रहा बेटा थम लगा दो दीवा, तो बस ज्ञान से इब तो लगा दे हर सब पहली उठ ले है, नहा धोकर रेडी होकर उठती ही आँख खुलती बाथरूम में जाओगा। और पुरानी वे अपना काम करना लग रही थी, तो पुरानी फिर मैं अपना काम करना लग रही थी, काम के करना लग रही थी, वही काम था सब्जी है वो बनाने लग रही थी।
छोले आज मैंने थोड़े एक्स्ट्रा हैं वो उबाल लिए थे, क्योंकि बालक से सुबह भी खा लेवेंगे, बड़ा राजी होकर खाया करो उबले हुए छोले। और कई कई बार ऐसा हुआ है सब्जी बनाते बनाते खाना लग जाए है प्याज टमाटर मिक्स करके, तो बस मैंने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कर लिए थे कि रख देऊंगी, और वो ये रख भी दिए थे, मैंने फ्रिज में रख दिया, मैं ये ख़राब तो होने के कौन नहीं, तो ख़राब तो हुए कौन गया। खैर सब्जी बन गई थी तो ये अपना नंबर आ गया था, पूरियाँ कम मैं लोई बना देंगी, अनिता है वो बेल देवेगी, बाकी मैंने बालक से वैसे भी साइड में बुला लिए थे, मका बेटा जल्दी से आ जाओ, पहले अपना खाना सा वो खा लो, उसके बाद कोई और काम से वो करांगा, फिर यूँ हो जाए एक बार केक काटने का लागे पाचा, फिर कोई सेल्फी लेगा, कोई फोटो खींचेगा, कोई किमी करेगा, फिर रोटियाँ ना रह जाएंगा, फिर मारा ही जी ना हो जाए, क्योंकि फिर एक तो वार हो जाएगी, फिर जब तक सारा बर्तन भांडा धो कौन ले जब तक फिर वही बात से चैन भी कौन आवे, फिर सुबह तय कानू भड़क सी रह जाए, फलानी चीज़ तो रह गई थी, दिखड़ी तो रह गई थी, तो बस मैं लोई बनाने लग रही हूँ, रनिता बेल देवेगी, बालक से भी अपने आ गए थे प्लेट ले लेकर, पहली असमी आएगी थी, मैं बेटा पहली कन्या है कन्या जिमा दे हूँ, उसके बाद हमने मैं चूल्हा के पास बैठी हूँ और अनिता है वो पूरी बेलेगी, तो अनिता पूरी बनाओगी, हाय अनिता। और मैं हूँ चूल्हा के पास बैठी हूँ, कढ़ाई चढ़ा रखी है, गर्मी है, बाकी हमारा कूलर है वो भी चालन लग रहा है, गर्मी हो रही है, सूट पहन रखे मैंने तो अपनी टी शर्ट पहन ली है। पांचों बहन भाई से बैठ गए थे रोटी खाने, और दोनों भाई बैठे हैं, वो रानी तीनों ये बहन भाई बैठे हैं, बाकी मोन्टी कहने भी लग थी सपड़ो मन्ना आराम आराम से खा लियो, क्योंकि बड़ा बड़ा टूक मत ना लियो, छोटा छोटा लेकर खा लो चबा कर, पुरानी असमी है वो सामान लेने आ गई थी सब्जी सुब्जी, और बालक कहने लगा था सब्जी आज बड़ी टेस्टी बन रही है, टेस्टी तो नू थी ना कि आज मैंने थोड़ी ही मिर्च वो कम डाली थी, मखा बालक से भी आराम से खा लेवांगे, और वराई भी खाना लग गया था, और एक तो इनकी बुआ नू भी कह रही थी बेटा गर्म गर्म से ज़्यादा खाइयो भी ना, क्योंकि फिर वही है प्यास भी लगेगी, पानी पी पी कर पेट पाटना ना हो जाएगा, तो बालक वरा रोटी खाने लाग रहे हैं पाँचों, मैं और अनिता तो लाग बैठी से, इनकी बुआ है वो वीडियो बनाने लाग रही से, और इब तो इतना प्यार थी बैठे हैं बालक आपस में खाने लाग रहे हैं, थोड़ी देर में देखियो जितना प्यार इन कर रहा है ना उतना खंड भी जल्दी जाया कर रहे, वो है बालक से बालक तो कोबद करे बिना रवा ही कौन नहीं। और एक चीज़ तो भूल ही गया था, रोटी तो खाने लाग गया था, बाद में मोंटी ने याद दिवाया यार मिठाई तो लेकर आया ही कौन नहीं, मिठाई में लेकर आया था रसगुल्ला और गुलाब जामुन, परानी तीनों बाण भाई बैठे हैं तो अपने हिसाब से रख लिया था, और रानी ये दोनों बैठे सी तो अपने हिसाब से रख लिया था, मको बेटा ज़्यादा तो खराब करियो मना फिर वो ही सगी कूड़ा में बगाया जाओगा के फायदा। और मोंटी ने याद दिवाया भाई अपनी मिठाई से वो तो ले आओ बस, तो केक का की कटिंग है वो आपने अगले वीडियो में देखने मिलेगा।